आप देख सकते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, देखिए यहाँ पर लोग जागरण अभियान की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। देखिए इस समय राष्ट्रगान चल रहा है, अखिलेश यादव यहाँ पर अभी राष्ट्रगान के कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, यहाँ कई महिलाएं पहुँची हुई हैं और अखिलेश यादव यहाँ पर देखिए अभी राष्ट्रगान का कार्यक्रम चल रहा है उस समय यहाँ पर हम कोशिश करेंगे अभी यहाँ पर जो आखिर जो दो दिन का यहाँ पर कार्यक्रम था उसमें अखिलेश यादव और जो शिवपाल यादव यहाँ पर शामिल हुए थे। जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव ने जोर दिया है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए जिससे कि लोगों को पता चल सके आखिर उनकी आबादी कितनी। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे लोगों से बातचीत करने की। बहुत अच्छा बताया है, जो भी बात बताई सारी अच्छी बताई है। 2024 में अखिलेश आएंगे? हाँ, आएंगे। कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? देखिए 2024 के लिए मूल मंत्र दिया है कि कार्यकर्ताओं का किस तरह आपस में एक होके काम करना चाहिए। क्या लगता है कैसे आ जाएंगे 24? देखिए 24 में जो पार्टी की रणनीतियां हैं और जो भी समाज में इतना आप देख रहे हैं कि इतनी महंगाई वगैरह है और चरम पे महंगाई चरम पे है और जनता वाकई में परेशान है, तो 24 में समाजवादी पार्टी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे कार्यकर्ताओं को थोड़ा सतर्क किया है कि फेसबुक से थोड़ी सी दूरी और व्हाट्सएप से दूरी बना के रखें, थोड़ी सी बना के रखे। क्या लगता है बेटा, सोशल मीडिया का दौर है, आप अभी नई युवा हो, जो अखिलेश जी ने कहा किस तरह से दूरी बनाने कहा? जी बिल्कुल, हम उनकी बात से पूरा सहमत है, उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। और जिस तरीके से जो युवा के लिए हमको लगता है कि अखिलेश सर हम लोग के लिए कुछ कर सकते हैं, तो अभी तक हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बीजेपी सरकार में, तो हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश सरकार आए फिर से एक बार फिर से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। क्या लग रहा अखिलेश जी क्या कह के गए? अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा? यही कहा है सब लोग मिलजुल कर बढ़िया कार्यकर्ता के रूप में काम करें। समझ में आई आप? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी समझ में आई। भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं मंच पर। देखिए यहां शिवपाल यादव भी यहां पहुंचे हुए थे, अखिलेश यादव भी आए थे और यहां जो कार्यकर्ता हैं उनको 2024 में जो चुनाव होना है लोकसभा का उसको लेकर उनको बातें बताई गई। हम कोशिश करेंगे यहां पर जो कार्यकर्ता पहुंचे उनसे कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं, कि क्या यहां पर इनको बताया गया है कि आखिर क्या। क्या नाम है? कैलाशपति यादव। कैलाशपति यादव, कैलाश जी कैसे देखते हैं, क्या आपको यहाँ आज सीखने को मिला, क्या सिखाया गया? सीखने को मिला है कि क्षेत्र में गांव में लोगों को, गरीब लोगों को मदद करना, उनका सहयोग करना निस्वार्थ रूप से समाजवादियों का काम है और हमेशा से रहा है। ठीक है, चीज़ों को बताया गया है, आगे और भी बताया जाएगा। क्या क्या मेन मुख्य चीज़ें क्या थी, शिवपाल यादव ने क्या बताया? शिवपाल यादव जी कल आए थे, समय दिए, बताए और जाति जनगणना विशेष रूप से और ये सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर चलना है और जागरूक कराना है, लोगों को समझाना है, बताना है और खुद भी जानना और समझना इस चीज़ को। देखिए यहाँ पर और लोग भी हैं, एक बुजुर्ग से हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि आखिर वो बात करने की। क्या क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र वर्मा चंगालाल। अच्छा, ये बताइए यहाँ क्या आपको सीखने को मिला, क्या बताया गया? यहाँ जो बताया गया वो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, शिवपाल जी ने क्या बताया? शिवपाल जी ने बताया कि अच्छे अच्छे काम करो, कह लो अच्छे अच्छे काम करो, सब देखो भालो। देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नेत्र प्रकाश मिश्रा। क्या लगता है मिश्रा जी कि 2024 के लिए यहाँ पर क्या दो दिन बताया गया आप लोगों को, शिवपाल जी वगैरह क्या बताया आपको? जी हम धौरहरा के समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं और 2024 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे आई? बिल्कुल जनता त्रस्त है जानवरों से और सब रात रात अपने घर को छोड़ करके सब जमीन बचाते हैं तब भी बचा नहीं पाते हैं। बहुत सारी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आदमी का अपना बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है और ये सब जो है भाजपा सरकार में ही हुआ है। इससे पहले जो भी सरकारें रहीं, कांग्रेस की रही हो केंद्र में या समाजवादी पार्टी की रही हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की रही हो सरकार, इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी। सिलेंडर का दाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इन्होंने कहा था कि हम होली और दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर देंगे, कुछ नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कहा था हम सिंचाई का माफ़ कर देंगे किसानों की, उसके बाद भी वो पलट गए अपने बयान से। ये एक झूठी पार्टी है और ये सिर्फ बरगड़ाने का काम करते हैं। देखिए अखिलेश यादव भी यहाँ से निकल रहे हैं और अखिलेश यादव चाहते हैं कि 2024 में तुम्हारा समाजवादी पार्टी की लोकसभा में सरकार बने। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी।